Subscribe now Eshan Tech World and even click on bell icon button to never miss any amazing technology videos in future. Hello friends, my name is Eshan and you're watching my channel Eshan Tech World. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गेमिंग स्क्रीन की गेम के लोडिंग स्क्रीन की कि लोडिंग स्क्रीन क्यों होती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि इस चैनल के ऊपर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो दोस्तों वो जो है ना एकदम इजी वर्ड्स में मैं आपको सामने रखने की कोशिश करूंगा, कोशिश करता हूं हमेशा। तो मतलब मेरा ये मोटिव रहता है कि हाँ मैं ऐसे इजी वर्ड्स में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दूं जिसकी वजह से आपको जो है ना इजीली वो समझ में आ जाए, एक कॉन्सेप्ट जो है ना आपको वो क्लियर हो जाए, दैट्स इट। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हो, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ना दोस्तों ये गेमिंग स्क्रीन काम करती है, मतलब जो लोडिंग जो स्क्रीन होती है वो किस तरीके से काम करती है गेम्स में। तो जैसे कि आप कोई गेम्स प्ले कर रहे हो और उसके बाद में एकदम बड़ी लोडिंग स्क्रीन आ जाती है दोस्तों, और उसके बाद में हमको वेट करना पड़ता है, और स्पेसिफिकली जो ये जो गेमर्स रहते हैं जिनको वीडियो गेम्स बहुत पसंद है उनके लिए सबसे ज्यादा इरिटेटिंग रहता है। जैसे कि मैं हो गया, मुझे भी गेमिंग बहुत पसंद है दोस्तों, और आप में से भी आप लोगों को बहुत लोगों को गेमिंग पसंद होगी। तो दोस्तों इसके पीछे एक्चुअली में वजह क्या है, क्या मतलब है जिसकी वजह से जो है ना लोडिंग स्क्रीन इतनी बड़ी होती है, इतनी ज्यादा तक लोडिंग स्क्रीन रहती है। प्लस दोस्तों सबसे बड़ा जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा वो है GTA 5 का। दोस्तों आपने देखा होगा GTA 5 में जो है ना तकरीबन 15 मिनट तक लोडिंग स्क्रीन चलती रहती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या प्रोसेस होता है, इंटरनली प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आपको सब बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं बात यहां से स्टार्ट करूंगा कि इनिशियली जो है ना जब गेम डेवलपर कोई भी गेम को बनाते हैं तो उसको जब टेस्टिंग पे लेके जाते हैं तो वो जो है ना गेम उसकी जो फाइल्स रहती है वो बहुत हैवी फाइल्स होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा जीबीज में रहती है। जैसे कि अभी आप गॉड ऑफ वॉर जो है ना 40 GB का गेम है, अनचार्टेड 30 GB का गेम है, तो ये जो मेमोरीज है दोस्तों ये कंप्रेस्ड होने के बाद में इतनी मेमोरीज होती है, लेकिन इससे पहले जो है ना ये बहुत बड़ी फाइल्स होती है दोस्तों। तो गेम डेवलपर्स जो है ना उसके बाद में उसकी फाइल्स को जो है ना बिट्स और पीसेस में डाल देते हैं। आपने कभी भी देखा होगा दोस्तों जो एक बड़ी फाइल रहती है ना, जैसे कि 2 GB 3 GB 30 GB की होगी, वो जिप में रहती है और वो जो है ना कुछ पार्ट्स में रहती है, मतलब अलग अलग पार्ट्स उसके डिवाइड हो जाते हैं, 8 GB का पार्ट डिवाइड हो जाएगा या 2 GB का पार्ट डिवाइड हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो लोग जो है ना फाइल्स को ब्रेक कर देते हैं। तो इसी तरीके से गेम डेवलपर्स करते हैं दोस्तों, जब गेम डेवलप होता है तो इनिशियल फेज में जो है ना बहुत बड़ा गेम रहता है तो वो जो है ना उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते दोस्तों, और उसके बाद में जो है ना वो लोग उसको आपको देते, और आप जब वो गेम को प्ले करते हो उसके बाद में अपने हार्ड ड्राइव में उस गेम को डालते हैं। तो दोस्तों जब आप गेम को स्टार्ट करते हैं तो वो हार्ड ड्राइव में जो आपका गेम पड़ा होता है, फिर उसके बाद में वो गेम जो है ना स्टार्ट स्लोली मूव होना शुरू होता है आपके रैम में, और उसके बाद में जो है ना आपके वीडियो कार्ड में, और वीडियो कार्ड में मूव होने के बाद में फिर वहां पर जो है ना वो हाईली पैक्ड कंप्रेस जो डेटा फाइल्स रहती है गेम की आपकी, वो जो है ना वहां से आहिस्ता से जो है ना एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि एक्सट्रैक्ट होना शुरू होती है, उसके बाद में जो है ना आपका जो टेक्सचर्स हो गया, जो गेम के कैरेक्टर्स हो गए, जो फर्दर जो स्टेज हो गई वो जो है ना एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से दोस्तों कोई भी स्टेज से पहले आपने देखा होगा कि एक लोडिंग स्क्रीन आती है, क्योंकि जो आगे आने वाली स्टेज है वो वहां पर एक्सट्रैक्ट हो रही होती है, उसके कैरेक्टर्स जो इवेंट जो टेक्सचर वो सब वहां पर एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है। तो इसकी वजह से दोस्तों आप हर स्टेज के पहले आपने देखा होगा कि गेम जो है ना लोडिंग स्क्रीन आती है, उसके बाद में जो है ना पिक्चर्स चेंज होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है ना आपके जो है ना गेम पे लोडिंग स्क्रीन आती है वो भी इतनी ज्यादा। तो दोस्तों अब ये कैसे रहता है कि अगर आपके पास SSD है तो SSD की मदद से जो है ना इसी लोडिंग स्क्रीन को जो है ना आप तकरीबन 30-40% जो है ना लेस कर सकते हैं टाइम को, मतलब क्योंकि वो जो है ना प्रोसेस उसका बहुत ज्यादा फास्ट होता है दोस्तों, तो इसकी वजह से आप जो है ना 30-40% जो है ना आपको लेस कर सकते हैं। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कभी कि जब आप कोई भी गेम परचेस करेंगे तो उसके जो है ना गेम की DVD के पीछे आप हमेशा देखेंगे कि उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको, उसको रैम कितना चाहिए, उसको हार्ड डिस्क कितना चाहिए। तो दोस्तों वो इसी वजह से होता है क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कोई एक हाई एंड ग्राफिक गेम लिया और आपके पास में जो है ना वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है उसको प्ले करने के लिए, तो जैसे ही आप वो DVD को एंटर करेंगे तो उसमें जो है ना दोस्तों जब वो एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा, क्योंकि ये ना जो गेम का डेटा होता है दोस्तों ये रैम में जाता है और वहां से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो जो फाइल्स है वो एक्सट्रैक्ट होनी शुरू होती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्यूचर जो है ना आने जो नेक्स्ट स्टेज के जो भी लेवल्स है वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, फिर उसके बाद में टेक्सचर्स कैरेक्टर्स सब एक्सट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए जो है ना एक स्पेसिफिक रैम चाहिए होता है, जितना हाई ग्राफिक गेम रहेगा, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जितना हाई ग्राफिक गेम रहेगा उसके उतने अच्छे रैम स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, और उसको गेम को प्ले करने के लिए मतलब आपके PC के आपके कंप्यूटर पे उतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए उस गेम को प्ले करने के लिए।
तो अगर आपका रैम अच्छा नहीं होगा दोस्तों, तो वो सही तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और उसके बाद में आपका गेम जो है ना आगे जाके हैंग होता है। तो ये वजह दोस्तों गेम के हैंग होने की भी आपके उसमें। तो दोस्तों ये था, और बाकी मैं आपको आगे ये बोल रहा था कि जो एक SSD, अगर आपके एक SSD यूज़ करते तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो जाता है कि ये प्रोसेस जो है ना लोडिंग का, ये थोड़ा एकदम ईजी हो जाता है, ये फास्ट हो जाता है, ये इतना ये तकरीबन 30-40% जो है ना ये प्रोसेस पूरा फास्ट हो जाता है दोस्तों। ग्रीन स्क्रीन क्यों आती है दोस्तों, उसके पीछे ये रीज़न है। तो दोस्तों बस यही आपको बताना था इस वीडियो में, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि मैं जो भी टेक्नोलॉजी अपडेट्स आपको देता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों को एकदम जो है ना एकदम इजी वर्ड्स में आपके पास आ सके, ज़्यादा इनडेप्थ उसके अंदर नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा इनडेप्थ अगर जाएंगे, एकदम डीप में जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो समझ में नहीं आएगी दोस्तों। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बहुत एकदम हार्ड वर्ड्स है जो नहीं समझ में आएंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ एकदम ईजी वर्ड्स में आपको बताऊँ, एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ, एकदम कॉन्सेप्ट जो है ना आपको क्लियर हो जाए, दैट्स इट। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस तो हमारे पास और भी भर भर के पड़े हैं, और इंशाल्लाह आने वाले आगे वीडियोस, तो आप प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि उसके बाद में जो है ना आगे इंशाल्लाह और भी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स नॉलेज आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी छोटे छोटे वीडियोस में। प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे जल्दी अपडेट्स मिल जाएगा एक वीडियो आने का इंशाल्लाह। तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।